तो अभी फिलहाल हम लोग निकलने वाले हैं घूमने जाने के लिए डे वन, और भाई लोग देख सकते हो जहाँ मिल रहा है लोग फोटोशूट, और ये फोटोग्राफर बन रहा है और देख सकते हो जहाँ तक दिखे पहाड़, और यहाँ है हम लोग दार्जिलिंग में, और कुछ इधर भी दिख रहा होगा आपको। और फिलहाल अभी जा रहे हैं और जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। तो ये है जापानीज पीस पकौड़ा, और देख सकते हो इधर, और कुछ फॉरेन से भी लोग आए हुए हैं। ये यहाँ जापानीज टेंपल है, और दार्जिलिंग कुछ साफ तो लग नहीं रहा यहाँ से, लेकिन यहाँ देख सकते हो आप ऊंची ऊंची देवदार के पेड़। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं जापानीज पीस पकौड़ा की सीढ़ियों पे, देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो फिलहाल अभी यहाँ जूता उतारना है, तो जूता उतार लेते पहले। देख सकते हो यह जापानीज पीस पकौड़ा, और ये भाई लोग कर रहे हैं फोटो शूट, और यहाँ से दार्जिलिंग का नज़ारा कुछ वाव ऐसा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से अभी निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किए थे और गाड़ी भी हम लोग थोड़ी लेट आई थी, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं अभी और जाते हैं हम लोग अगले स्पॉट पर। और अगला स्पॉट पता नहीं कहाँ होगा हम लोग का, लेकिन जो हमारा भैया ड्राइवर है वो बता देंगे कि जाना कहाँ है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आगे। तो फिलहाल हम लोग अभी बड़ी हड़बड़ी में निकले, इधर जू वगैरह है, जू है, म्यूजियम है, तो हम लोग निकले हुए देखने के लिए। और बताया जा रहा था एक मिनट, तो कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है यहाँ से, जहाँ देखो खाली पहाड़ पहाड़ पहाड़। और फिलहाल ये आ गए हम लोग यहाँ जू, यहाँ जू आ गए हैं। और यहाँ का टिकट पहले हम लोग पता करते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं टिकट के लिए। और यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं जू के अंदर। सबका पकड़ा ना, मेन पावर।
और देख सकते हो अंदर कुछ नज़ारा ऐसा। लोग यहाँ ऋषभ होकर फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और देख सकते हो भीड़, और यहाँ फूलों का एक छोटा सा बगीचा, और इधर है आपका आई थिंक जू। और फिर से ये लोग खड़ा हो गया फोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ कुछ है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा पता नहीं है, आई थिंक यहाँ डिटेल दिया है हिमालय गोरल गोरल गोरल। तो ये है एक, समझ लो बकरी है। और फिलहाल अभी आगे बढ़ते हुए और देख सकते हो अब दार्जिलिंग का नजारा कुछ बेहद शानदार। और यहाँ देख सकते हो राम भाई, चलो और यहाँ कुछ बंदर अंदर आया, वही बताऊ अंदर 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 तो। देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं सब, और ये देख सकते हो यहाँ कुछ है, ये याक है क्या, ये छोटा बच्चा, याक का छोटा बच्चा जिसमें अरुण भाई अपना सवारी किया था, लाचुंग में लाचुंग नहीं, कहाँ तुम कहाँ सवारी किया था जी याक का, छांगुंग छांगुंग में छांगुंग छांगुंग। और ये भाई तो देख सकते हो यहाँ कुछ एक्टिविटी वगैरह होता है। तो देख सकते हो यहाँ अलग से आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हो। कौन हिम्मत वाला, हिम्मत वाला क्या उसमें लटका के भेज देगा, हाँ तो चल ना अब पता नहीं कितना कर करके लेगा, मेरा वेट ज्यादा है तो मैं करेगा नहीं, ये लड़का बोल रहा है हमको करो भाई वेट ज्यादा है, आने के बाद तो कुछ करना चाहिए ना, देखते हैं और कुछ ट्राई करने का कोशिश करते हैं यहाँ पर, और शायद इधर क्या हो रहा है नहीं पता, इधर एक बच्चा खेल रहा है इधर, और यहाँ से यहाँ देख सकते हो इधर का एक्टिविटी आप चाहो तो कर सकते हो। ये पहले पता करना होगा कितना लेता है, सारी एक्टिविटी किया जा रहा है 210 रुपये दे के, और ये लड़का शायद पैसा वाला है तो कर सकता ही है, लेकिन हमारे बस की तो है नहीं तो मैं करूँगा नहीं। और फिलहाल हम लोग अभी जाएंगे म्यूजियम, और ये देख सकते हैं यहाँ जो जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू है जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाओ, तो यहाँ पर आप यहाँ आके एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, और अभी हम लोग जाएंगे म्यूजियम की ओर। ये मैप है यहाँ का, और हम लोग जा रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम के लिए, और म्यूजियम में मना है कैमरा फोटो करना, तो हम लोग म्यूजियम के अंदर करेंगे नहीं। और इधर देख सकते हो सुंदर सा नज़ारा, और फिलहाल अभी चढ़ेंगे हम लोग यहाँ से म्यूजियम, यहाँ क्या अपना फोटो शूट करवा सकते हैं, और यहाँ शेरपा तेंजिंग
यहाँ आप कुछ खरीदारी करना चाहेंगे तो, और यहाँ से भी कुछ नज़ारा दिखता है अद्भुत। आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं खरीदने के लिए। तो यहाँ से यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, और इस साइड से ही हम लोग आए थे। एक पहाड़ देख के पता चल रहा है, पहाड़ आप लोग को शायद दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर तक है पहाड़। और यहाँ आप आकर अपना सेल्फी वगैरह ले सकते हो, जैसे कि लोग ले रहे हैं। तो म्यूजियम में वक्त बिताने के बाद हम लोग निकल गए हैं, और देख सकते हैं सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगा म्यूजियम में, बहुत सारी जो चीज़ थी हिमालय में चढ़ाई को लेके, जितने भी सारे लेजेंड थे सबका, जितना भी जो सामान सब लेके जो जाते थे अपने पहनावा, सब दिखाया गया वहाँ। और ये लोग सब साथ थे, और देख सकते हो सब, जब देखो सब खाली फोटो फोटो फोटो। और अभी कुछ बाकी हम लोग का भी जू का कुछ हिस्सा, तो वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद जाते हैं, देखते हैं और कहीं लेके जाते हैं या नहीं। और ये सारे लड़के फोटो शूट करवाने के बाद देख सकते हो पूरे जमा के लोग एकदम बेगी लेगी। तो सुशांत भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं यहाँ के? अरे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप अपने मामा जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे डुमू के लिए? मामा जी के लिए तो क्या ही बोलेंगे, वो तो बेवकूफ है ना, आया नहीं। अच्छा बेवकूफ तो नहीं है? नहीं जी, वो धुंधु है। अब उसको बोले थे चलिए बोल के, अब नहीं आया तो मैं क्या बोलूँ उसको। खाली फुटबॉल का खाली टीम इधर उधर लेने में बिजी है क्या? यहाँ आते ना उनको क्या ही दिल खुश, पूरा दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर चिड़ियाघर में एक पापा था, कुछ देखे चीता, पापा से बात करते हैं। अरे बैठ गया। और पता नहीं इधर क्या क्या है, देख लेते हैं। देख सकते हो पैंथर। और यहाँ देख सकते हो तरह तरह के पक्षी। बंगाल हिस्ट्री म्यूजियम, आई थिंक यहाँ होगा चाय पत्ती वगैरह, जो यहाँ का जो फेमस है उसी के लिए, उसी का म्यूजियम होगा। कैमरा अंदर लेना मना है तो मैं बाहर से सिर्फ दिखा देता हूँ। और यहाँ पौधे के कुछ प्रजाति देख सकते हैं आप लोग, जो सजावट के तौर पे आते हैं। और यहाँ कैक्टस, आप लोग जो जानते हैं कैक्टस इतने प्रकार के पता नहीं संख्या आप देख सकते हैं। और फिर इधर भी, और फिर इधर भी, देखने से डेकोरेशन का चीज़ लग रहा है। और यहाँ पर कुछ मौजूद है क्या? हाँ, और यहाँ देख सकते हो ये फूल। और यहाँ बंगाल का सबसे फेमस बंगाल टाइगर। तो आप लोग, ये है स्नो लेपर्ड,
जो बर्फ में रहता है। तो देख सकते हो दार्जिलिंग का नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरे पहाड़ में बसा हुआ है। बंदर। और यहाँ देख सकते हो ये लोग, मंकी है, अच्छा घरेलू अंगूर, वो एक ही बात है, मंकी गिर अंगूर सब एक होते हैं। अभी गुलाब की तरह भी तो ऐसे ही खाते हैं, बहुत प्यार से। भालू तो फिलहाल अभी निकल रहे हम लोग चिड़ियाघर से, चिड़ियाघर पार्क और म्यूजियम सब एक ही जगह है, एक ही टिकट में। और देख सकते हो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा, अगर लाइट जला हुआ रहता तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होता, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं, पता नहीं अभी कहाँ लेके जाए, वो तो नहीं पता, कहीं जाने का था शायद लेकिन अभी हो नहीं पाएगा, तो जाते हैं रूम, फिर खाते हैं और पैदल निकलेंगे और चलते हैं, अपनी होटल की ओर। और देख सकते हैं बंदर, हेलो मासिमान, ये है मैं हूं ना मूवी, यहाँ शूटिंग हुआ था यार, यहाँ मूवी यही शूटिंग हुआ था, देख सकते हो आप, यही है चलिए। तो भाई हम लोग फिलहाल आए हुए हैं टी गार्डन, लेट ही सही लेकिन आए टी गार्डन, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हो यार, जन्नत। और प्रॉब्लम ये है कि कोई कैमरा हैंडल करने वाला है नहीं, तो बार बार ऐसे ही पकड़ना पड़ता है। और इधर अभी कर दिया गया नो एंट्री, और शायद अभी मना है, लेकिन आप देख सकते हो दार्जिलिंग थोड़ा कमजोर नहीं लगा। तो अंधेरे के बाद एक दार्जिलिंग का छोटा सा एरिया देख सकते हो आप लाइट के द्वारा कैसे दिख रहा है, और चलते हैं यहाँ का एक चाय है वो ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम अपने होटल की ओर। तो यहाँ एक बच्चे से मिले, देख सकते हो ये बच्चा भी फ्री फायर खेल रहा है, और ये लोग चाय ट्राई कर रहे हैं। तो चाय कैसा है, चाय कैसा है, चाय दीजिएगा तो ये है दार्जिलिंग का रात का व्यू। हम लोग बैक आ गए अपने होटल, देख सकते हो तगड़ा डब्बे में सजावट ये सब लेके आए हम लोग, देख सकते हो हटेना, ये जो दिख रहा है ना कांच वाला, यही वाला है तगड़ा सा होटल और तगड़ा डेकोरेशन। और ये लड़का कुछ दिखा रहा था, ये चाय पत्ती सब ले गए हैं। तो हम लोग बैक टू अपना होटल आ गए हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 10-15 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे, फिर शॉपिंग वगैरह करेंगे, फिर खाते हैं,
थोड़ा घूमेंगे फिर वापस आएंगे, होटल में रेस्ट करते हैं, फिर कल फिर घूमेंगे, फिर 2 बजे करीब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और हम लोग करीब 9 बजे हम लोग ट्रेन है NGP से सियालदा के लिए। तो फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो थोड़ा देर फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल गए हैं फिर दार्जिलिंग का कुछ जगह एक्सप्लोर करने, और भाई लोग साथ हैं। तो फिलहाल अभी जाते हैं हम लोग, पहले खाते हैं फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे और यहाँ का जो कुछ तगड़ा जगह है वो दिखाते हैं आपको। देख सकते हो कुछ डेकोरेशन यहाँ ऐसा है, और हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ का दिखाते हैं डेकोरेशन क्या होगा। शिवलू भाई फुआ सातों बंद गई है, तो डिनर के लिए हम लोग फिलहाल आए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भाई लोग भी है, और फिर मोबाइल में चालू है और भूख बड़ी जोर से लग रहा है, खासकर इस लड़के को, क्योंकि हम लोग जिसे सफर ऊपर चल रहा है तो हम लोग ढंग से खा ही नहीं पा रहे हैं। इकलौता होता है रात में, तो अभी खाने के लिए बैठे ही नहीं वाले हैं, और सब अपना अपना ऑर्डर देगा, बोल रहे हैं कोई मछली खाइए, देखते हैं क्या मंगाते हैं और थाली दिखाते हैं आपको। हमारा थाली, और देख सकते हो सब्जी सब अपना अपना निकालो भाई रईस जी से, और चावल दिए देख सकते हो चखने के लिए पहले, फिर दोबारा लीजिएगा। तो हम लोग खाना खा के निकल गए, बिल हुआ 1240। हाँ भाई, खाना कैसा था? खाना जबरदस्त था, बस वहाँ का किसी को पसंद नहीं आया वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर। तो भाई ऐसा था कि खाना तो ठीक था, खाना तो भाई हमें अच्छा लगा, लिमिटेड था, लेकिन बात हुआ इनका कि उसका जो बिहेवियर था बहुत ख़राब था। और ये लड़का को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एक बड़ी जोर का खाया है। कितना बार लिया था तुम? जितना माइकल लिया, जितना माइकल नहीं खाया उसे एक खाया। इसका तो बोलने कोई तरीका है नहीं। तो खाना ठीक था, बस बिहेवियर, भाई बिहेवियर भी तो होना चाहिए ना। पहचान बिहेवियर से ही होती है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं, और आप देखिए इधर का जो नज़ारा है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने के, यहाँ से चलिए देखते हैं कौन क्या लेता है। तो हम लोग वापस आ गए हैं अपना होटल, और अभी करने वाले हैं रेस्ट मैच देखते देखते हुए, और कुछ करेंगे हम लोग डिस्कस, और कल सुबह फिर निकलेंगे। तो गाइस देख सकते हो अभी चल रहा है एडिटिंग, एडिटिंग चल रहा है इंस्टा के लिए, और हम लोग आ गए हैं बिस्तर में, और ये लड़के को देख सकते हो ये बोल रहा कल जल्दी उठना है तो जल्दी सो जाओ, तो हम लोग अभी सोते हैं और कल जाना है टाइगर हिल, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।